चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में या जिन राज्यों में चल रहा है वो ठीक है। रह गया बात, लोग आते हैं महाकाल का दर्शन करने, अपने स्वार्थ में आते हैं और महाकाल या शमशान में, चक्रतीर्थ शमशान में लोग आके हवन करवाते हैं सिर्फ लोग अपने स्वार्थ में। जीतने के बाद कोई किसी की खबर नहीं लेता है, सब अपने अपने मतलब से रहते हैं। क्योंकि हमारे नेता का ऐसा दुनिया को कोई नेता नहीं जिसका मैंने यज्ञ नहीं किया और भगवान की दुआ से सफलता मिली लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ को आना बहुत आवश्यक अनिवार्य है। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं आते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी गुंडों बदमाशों से, क्योंकि फिर शहर में गुंडे बदमाश अपना अपना दादागिरी दिखाएंगे कोई भी पार्टी को। हमने मायावती को भी देखा जब वो साइकिल से घूमती थी, कोई नहीं था उस समय, हमने आशीर्वाद दिया था जीत का, लेकिन क्या कर दिया मेरे लिए उसने। उमा भारती को हमने ही आशीर्वाद दिया, उत्तर प्रदेश हमने भेजा, क्या कर दिया उसने हमारे लिए। ये तो राजनीतिक है, जो अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। और उस तरह योगी जी को आना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। आपके गुरु भाई भी हैं योगी जी? नहीं, वो अब देखिए, गुरु भाई अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी, मैं राजनीतिक नहीं करता। ठीक है, हमारे गुरु भाई हैं, नाथ जी हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हम उनका समर्थन करता हूँ। मोदी जी को हाथ जोड़ करके योगी जी के पीछे घूमना चाहिए, लेकिन राजनीति की ऐसी चीज़ है कि योगी जी मोदी जी के पीछे घूम रहे हैं हाथ जोड़ करके। राजनीति की ऐसी चीज़ है। आपने जीत के लिए कोई प्रार्थना वगैरह की? मैं तो रोज़ ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान माँ भारत का कल्याण करो, ये देश का कल्याण करो, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा कल्याण करने वाला। कोरोना 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 पूरे देश को मार दिया, रोना ही रोना हो गया और कुछ रहा ही नहीं।